हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इन बाइनोमियल थ्योरम इज फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 रेज टू पावर 7। नाउ बेटा सी हियर, ये जो पावर है बेटा ये ऑड है। अगर पावर ऑड होती है बेटा तो हमें रूल पता है कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है आर प्लस वन अपॉन टू, मतलब 7 प्लस 1 अपॉन 2, और जो अगली मिडिल टर्म आती है वो होती है आर प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे 7 है बेटा, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आने वाली है बेटा। 7 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 4 आ जाएगा बेटा, 7 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब बेटा 5 आ जाएगा। टी 4 मतलब क्या, 3 प्लस 1, तो आर का वैल्यू बेटा 3 हो गया, और 5 प्लस 1 मतलब क्या बेटा, 5 मतलब क्या, 4 प्लस 1। अब बेटा टी 3 प्लस 1, हम जनरल टर्म लगाएंगे, हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, टी आर प्लस वन बराबर होता है बेटा एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। एक ए प्लस बी की पावर एन के अंदर जो जनरल टर्म होती है बेटा, हमें पता है कि जनरल टर्म होती है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 7 है बेटा, तो आ जाएगा 7c3 3x की पावर बेटा 7 माइनस 3 आएगा, और 7 माइनस 3 क्या होता है बेटा, 4 होता है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 3 आ जाएगा। और बेटा इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 7c3 और सबको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बेटा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, मैं वो लिख रहा हूँ, सॉल्व करना आप लोगों को आता है, सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा -105/8, और बेटा एक्स की पावर आ जाएगी 13। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कि जनरल 4, यहाँ पे आर का वैल्यू 4 हो गया बेटा, तो 7c4 3x की पावर 7 माइनस 4 जो 3 हो जाएगा बेटा, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 4 हो जाएगा। इसको बेटा बेसिक मैथ लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा 35 एक्स रेज टू पावर 15/48। और बेटा ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, उसको देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 2n इज 1 × 3 × 5 × up till 2n-1/n (n)(2^n) / (x^n)। बेटा ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जांपल से लिया गया है। देखिए बेटा, हमें मिडिल टर्म निकालना है। अभी बेटा ये 2n आ रहा है मतलब पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो फॉर्मूला होता है 2n/2+1 हो जाएगा बेटा। भाई अगर मिडिल टर्म होती तो फॉर्मूला क्या होता है, टी टर्म मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है (t)(n)/2+1। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 2n है बेटा। तो ये क्या बनेगा बेटा, (t)(n+1) बनेगा बेटा। और इस केस में हमारा जनरल टर्म निकल के आएगा, देखो आर क्या हो गया बेटा, एन हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n है बेटा। तो फॉर्मूला बनेगा 2n c r, आर मतलब एन है, यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होता तो नहीं लिख रहे 1, और एक्स की पावर एन आ गया। तो बेटा हमारे को एक्स की पावर एन चाहिए, एक्स की पावर एन आ गया। अब बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करके सॉल्व करने पे बाकी हमें प्रूफ करना है। देखिए बेटा 2n c n, तो बेटा ये आएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n में से n गया तो फैक्टोरियल n आ जाएगा बेटा, फैक्टोरियल n और एक्स रेज टू पावर n आ जाएगा बेटा। अब बेटा इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2n आएगा बेटा, 2n-1, 2n-2, 2n-3 एंड सो ऑन अप टिल बेटा ये मल्टीप्लाई होता होगा 3, 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन। अब बेटा जो हमें प्रूफ करना है, उस प्रूफ में देखिए सारी ऑड टर्म साथ में है बेटा, तो हम सारी ऑड टर्म्स को साथ में कर लेते हैं और इवन टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो ऑड टर्म्स क्या क्या आ गई, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 एंड सो ऑन। तो हमने सारी ऑड टर्म्स को एक साथ कर लिया, 1 × 3 × 5 × एंड सो ऑन अप टिल 2n-1। सारी ऑड टर्म्स को बेटा हमने एक साथ कर लिया ग्रुप में, सारी इवन टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा,
फिर सिक्स आएगा एंड सो ऑन अप टिल टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन। अब बेटा ये जो कुल मिला के टर्म्स हैं वो टू एन टर्म्स हैं, तो आधी टर्म्स तो ये आ गई बेटा, आधी टर्म्स ही रह गई। अब इन सब टर्म्स में से टू कॉमन निकल रहा है, तो टू हर में से कॉमन निकलेगा, टू एन बार कॉमन निकल जाएगा। देखिए बेटा इसको तुमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू एन सो ऑन, इसको तुमने ऐसे ही कॉपी कर लिया बेटा। इन सब टर्म्स में से टू कॉमन निकला, टू एन बार कॉमन निकल गया बेटा, टू की पावर एन कॉमन आ गया, बच क्या गया, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टिल एन रह गया बेटा, और ये फैक्टोरियल एन कॉपी हो गया बेटा। फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं बेटा एक्सपेंड करके एन इंटू एन माइनस वन इंटू अप टिल टू इंटू वन, और ये एक्स की पावर एन आ गया। और बेटा देखिए ये फैक्टोरियल एन और ये वाला फैक्टोरियल एन कैंसिल हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाइड बाय टू रिस टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज टू पावर एन। थैंक यू बेटा।